भले ही अब ये बहुत छोटा था, पर खुंदक इसके चेहरे में पूरी है कि मेरी माँ के बारे में बोला कैसे। एक मेरे पापा थे, कंधे में यहाँ मेरे को, यहाँ दूसरे बच्चे को, एक यहाँ पे तीसरे बच्चे को, मासी भी थोड़ी यहाँ पे गोदी में तीसरे बच्चे को ऐसे बिठा के घुमाते थे। समझ रहे हो? तो बलिदान कौन देता था? मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप। आजकल के माँ बाप बलिदान नहीं देते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो तुम सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त, मजे में एकदम। सो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 11:30, मतलब सुबह के भी नहीं है, दोपहर के भी नहीं है, किसी के नहीं है। सुबह थोड़ी बोल सकते हैं, 11:30 बजे पे दोपहर हो जाती है आधी, और कानूनी तौर पे 12 बजे के बाद दोपहर होती है, तो दोपहर भी नहीं बोल सकते, वो बीच वाला टाइम हो रहा है दोस्तों। अब समझ गए ना क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समझदारी वाली बात नहीं करती हूँ मैं तो। यस, अभी 11:30 हो चुके हैं, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, पर फिर भी अभी मैं और दीदी जा रहे हैं मुनीर का चुनमुन के लिए गाड़ी लेने। गाड़ी मतलब ऑल्टो या इनोवा, इनोवा तो बहुत बड़ी होगी हमारी औकात अनुसार, मतलब नैनो, नैनो भी अभी चुनमुन के लिए बहुत बड़ी है। वैसी वाली गाड़ी लेने नहीं जा रहे हैं, वो 4 पहिए वाली ट्रॉली को गाड़ी बोलते हैं ना गरीब लोग, मैं गरीब हूँ भाई, मैं 4 पहिए के रेड़े को भी गाड़ी बोलता हूँ। तो अभी हम चुनमुन के लिए लेने जा रहे हैं वो वॉकर जो होता है, अब मेरे पास तो था नहीं बचपन में, तो मुझे नहीं पता अच्छे से वॉकर ही होता है कि क्या होता है, पर जैसे बच्चा लेटा होता है और ऐसे घुमाते हैं उसको, वो लेने जा रहे हैं मैं और दीदी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि अभी मैं अपनी क्लास अटेंड कर कर आई हूँ, फिर भी मैं तो गाड़ी से गई थी, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, अभी तो हमको बस से जाना है, तो मज़ा आएगा, उबल जाएंगे ना, मज़ा आएगा। सब अभी हम लोग जा रहे हैं, दीदी चुनमुन को अंदर सुला रही है, जैसे वो सो जाएगा फटाफट से जाएंगे और लेकर आएंगे। भाई ये देख रहे हो हमारे चुनमुन के प्यारे प्यारे हैंकर चीफ, जब ये खाना खाता है ना तो ये अपने ऊपर खाना गिरा देता है, इसलिए इसकी मम्मी इसको गले में ये पहनाती है। ये कोई बात हुई? आज के माँ बाप कोई बलिदान नहीं देते अपने बच्चों के लिए। बलिदान तो हमारे जमाने में हमारे माता पिता देते थे, मतलब मेरे पापा की धोती फटती थी तब जाके हम तीनों की लंगोटे बनती थी। मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने बलिदान दिया। आजकल के माँ बाप क्या है, इसको देखो, पैसा खर्च करती है, गले का रुमाल मंगा दिया, पैसा खर्च किया अभी जाके वॉकर लेकर आ जाएगी। एक मेरे पापा थे, कंधे में यहाँ मेरे को, यहाँ दूसरे बच्चे को, एक यहाँ पे तीसरे बच्चे को, मासी भी थोड़ी यहाँ पे गोदी में तीसरे बच्चे को ऐसे बिठा के घुमाते थे। इसका क्या है, वॉकर खरीद लिया, घुमा दिया। समझ रहे हो? तो बलिदान कौन देता था? मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप। आजकल के माँ बाप बलिदान नहीं देते, बताओ। भले ही अभी ये बहुत छोटा था, पर खुंदक इसके चेहरे में पूरी है कि मेरी माँ के बारे में बोला कैसे। वो देख लो, देख, वो अपनी मम्मी को ही रहा है। अरे भैया क्या हुआ? अरे बहन, माना तो अपने आप को फूल जितनी हल्की समझती है, पर उड़ जा। वजन डालने की जरूरत नहीं है, तू जितनी भारी है ना, पास खड़ी होती तभी आदमी फिर पचक जाएगा। उठ, देख वो बच्चा रो रहा है बेचारा, उसके आंखों में आपको आंसू दिख रहा है दोस्तों। इस साइड वजन डाला हुआ था, देख वो एक ही आंख से रो रहा है, एक ही आंख में आंसू है उसके, मैंने साफ कर दिया, देख ले, झूठी बात नहीं है। एक वॉकर के चक्कर में एक ही दुकान थी, 4 चक्कर काटने का था, एक दुकान मिली है। यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे टॉय हैं और बहुत अलग अलग टाइप के वॉकर हैं। तो भैया का जो गोडाउन है ना, वहाँ से मैंने एक वॉकर मंगाया है। अभी देखते हैं, इतनी कंजूस है चुनमुन की मम्मी और हमारी बड़ी दीदी। भैया गर्मी के बारे ना हम बोल रहे हैं, प्लीज गन्ने का जूस पिलाएंगे? अभी भी इसके लफ्जों में ना है, इसको कैमरे का भी कोई डर नहीं है भाई, हम बोल रहे हैं हमको पिला दें। चिंता मत कर, वसूल के रहूंगी, इतनी गर्मी में लाई है भाई, इतनी गर्मी में लाई है, हम कह रहे हैं गन्ने का जूस पिला दे, शिकंजी पिला दे, पर तो हम पे दया नहीं आ रही। अब तो तुम माँ बन गई साक्षी, हम दोनों को देख इतनी ममता नहीं चुक रही है, हमें अपना बच्चा समझ, बड़ी बहन माँ समान होती है। हाँ, बड़ी बहन माँ समान। अभी रुक जा, इसको अभी हम आया भैया के गोडाउन में, यहाँ पे बहुत सारा टॉय और वॉकर वगैरह है, यहाँ से दीदी सेलेक्ट करेगी। जब हमारा चुनमुन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम उसके लिए गाड़ी लेंगे, ये वाली। तू मत चला लियो चुनमुन के आड़ में, सुन बड़ा। हाँ। मेरे बाप ने मुझे दे रखी है। ओह ये चलो, शीशे में शक्ल देखो, इधर आओ, इधर आओ, शीशे में अपनी शक्ल देख रही हो? बातें अच्छी क्या करो, जरूरी नहीं शक्ल अच्छी, नहीं तो बातें भी अच्छी नहीं करोगी, अच्छी क्या करो। कब इधर आओ दीदी, कब मैं भी ऐसी फ्रेम खरीद पाऊंगी सरेआम, चुप चुप के तो मैं अभी भी खरीदती हूँ। दुकान तो बड़ी मस्त है, कुछ दुकान नहीं, दुकान नहीं है, गरीब इसको गोडाउन कहते हैं, दुकान नहीं है ये यार, गोडाउन है, दुकान में ऐसे सामान नहीं पड़ा रहता। भाई ये गोडाउन इतना बड़ा है ना, यहाँ पे इतने सारे टॉयज है ना अलग अलग, मतलब हमारे टाइम में क्या होता था सामान, हमारे पास 10 रुपए वाली एक डॉल, वो भी नंगी डॉल, उसको भी हम अपने कपड़े फाड़ के कपड़े पहनाते थे, और आज के टाइम पे देख रहे हो भैया बैटमैन, वो काला काला बंदर, और ये देखो सबसे बढ़िया था मुझे यहाँ पे ये लगा, ये ना बैट बॉल है, प्लास्टिक का पूरी किट है छोटे बच्चों के लिए, और भी बहुत अलग अलग चीज है। कैरम बोर्ड तो खैर हमारे पास भी था, चुनमुन के पास है ना, इसमें से हर टॉय है दोस्तों, पर वो किसी के साथ नहीं खेलता है क्योंकि इस बेचारे के दांत आ रहे तो परेशान रहता है। और देख रहे छोटे से बाल कृष्ण, ये चीजें मुझे बहुत प्यारी लगती है। भाई वॉकर तो बहुत अलग अलग टाइप के, एक वो रहा, एक ये रहा, एक ऐसा छोटा छोटा वाला, पर हमको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वाला ले। मार्केट आए थे वॉकर लेने, वॉकर तो लिया नहीं है, मार्केट से खा लिया थोड़ी जाएंगे, कुछ तो लेना ही है, गन्ने का जूस ले लिए थे, 3 गिलास बनो भाई बहन चल। अब लग गई है हाथ, अब ये हत्ते लग गई है, अब ये गन्ने की दुकान तक आई गई है, तो ये हमें दिलाई देगी, अभी तो इसे दूसरी दुकान में ले जाऊंगी।
स्ट्रॉ स्ट्रॉ दे दो, धन्यवाद। चल सिमोन पैसे दे दियो। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब आया मजा। पैसे बोल रहे थे ना दिला दे, दिला नहीं रही थी। ऊँट तो जूस पी रहा है। साक्षी ये कह रही है इसका मन कर रहा है एक और पी लूं। हम दोनों का मन भी करता तेरे को छत से धक्का दे दे, देते हैं। जरूरी थोड़ी है जो मन करे वो हो सकता है। ये पी ले। हाँ, झाग है। वापिस कर, वापिस कर, वापिस करना। झाग है तो पी क्यों रही है। चल हाँ ये चॉपस्टिक ले ले, चॉपस्टिक। भाई हम एक कोरियन शॉप पे आए, यहाँ पे ना बहुत सारे कोरियन नूडल्स है, बहुत डिफरेंट टाइप की सॉसेज है, अच्छी अच्छी चीज़ है। पर अभी सिमोन ने वही लिया है, नॉर्मल जो होता है ना, ये हॉट स्पाइसी मुझे पसंद है। हाँ ठीक है, पसंद है ठीक है। ये अब ये भी ले ले, ये मेरे को पसंद है। ये कितने का है? पकड़नी तो मेरे को तेरी गर्दन भी आती है। ये लोहे वाली लेना, मैं बचपन में खाता था भाई। टॉफी बहुत बढ़िया होती है, मिलेगी फटाफट से ले। सो हम लोग आ चुके हैं घर। मैंने मुंह हाथ धो लिया, चेंज भी कर लिया, मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। पर मेरी स्किन बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं कर रही है, बिकॉज बाहर इतनी धूप है, ऊपर से पॉल्यूशन का धूल मिट्टी, तो स्किन बिल्कुल डल डल हो गई है। अभी थोड़ा सा फटाफट वाला स्किन केयर करते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। मैं यूज कर रही हूँ वॉल स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लींजिंग। इसकी पैकेजिंग में ना ऊपर आपको सिलिकॉन ब्रश दिया गया है, जो कि आपकी डीप क्लींजिंग में हेल्प करता है। ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, साथ ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और हार्म केमिकल लाइक पैराबिन सिलिकॉन सल्फेट फ्री है। ये फेस वॉश हेल्प करता है हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करने में, साथ ही हमारे एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, और हमको एक अच्छा नेचुरल ग्लोई स्किन प्रोवाइड करवाता है। और ये ना हमारे जो डेड स्किन लेयर होती है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो इसको अब मैं वॉश कर लेती हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस विटामिन सी मिस्ट टोनर। ये मिस्ट और टोनर दोनों का काम करता है। इसके अंदर है ना आपको एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी और ग्लिसरीन जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे। इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। आपको नॉर्मली बॉटल को शेक करना है, ऑल ओवर अपना फेस और नेक इसको स्प्रे करना है। ये ना हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करके हमें इवन टोन प्रोवाइड करवाता है। लास्ट में यूज़ कर रही हूँ वॉल स्किन साइंस 20% विटामिन सी फेस सीरम। दिस फेस सीरम इज बेस्ट फॉर समर्स बिकॉज ये ऑयल फ्री है, समर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका जो फॉर्मूला है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। लाइक इसका फॉर्मूला देखो, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वाटरी है, बिल्कुल भी चिपचिपा ऑयली नहीं है। यूज़ करना काफ़ी ईजी है। डॉट द सीरम ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, देन डैब एंड प्रेस इन टू योर स्किन। डू दिस फॉर अ मिनट टू अलाउ द सीरम टू गेट सोक्ड इन टू द स्किन। इसके अंदर आपको विटामिन सी, विच हेजल और हेलोरॉनिक एसिड की गुडनेस दी गई है। इस सीरम ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाने में और हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हार्श केमिकल यूज नहीं किया गया है, साथ ही ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो सारे प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर लेना। इजीली प्रोडक्ट आपको Amazon, Flipkart या buywow.in पर मिल जाएंगे। अगर आप वाओ की वेबसाइट buywow.in पर जाकर इन प्रोडक्ट को परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड Prachi20 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। एंड गाइस जब भी आप वाओ की वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके ऑर्डर के साथ आपको एक छोटू सा सीड पाउच भी रिसीव होगा। इसके अंदर कुछ सीड्स दिए गए हैं जिन्हें प्लांट करके आप भी मेरे तरह एक प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हो। 2022 स्टार्ट होते ही वाओ स्किन साइंस ने ग्रीन हैंड इनिशिएटिव लिया है कि 2022 के लास्ट तक 1 करोड़ प्लांट इनको लगाने हैं, तो क्यों ना इस अच्छे काम में हम भी इन लोगों का साथ दें। सो प्लांट सीड, गो ग्रीन एंड लेट्स बी वाओ नेचुरली। अभी बज रहे दोपहर के 3 और प्राची इस वक्त सो रही है, तो यही है सबसे अच्छा टाइम अपने नूडल्स को बनाने का और अकेले अकेले खाने का। तो फटाफट से मैं अपने नूडल्स बना लेती हूँ उससे पहले वो उठ जाए। मैं मार्केट से लेके तो ये 2 नूडल आई थी, पर मैं बनाऊंगी अभी ये छोटा वाला क्योंकि ये बड़ा वाला मेरे खाने की बस की नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरी बहन उठेगी वो देखेगी उसे बुरा लगेगा ना बहन ने अकेले अकेले खा लिया, तो ये वाला मैं उसका शेयर करके खाऊंगी। देखा मैं कितनी अच्छी बहन हूँ। तो गाइस मेरी मैगी बन चुकी है और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है ना, मुंह से पानी आ रहा है और मम्मी बना रही है अभी चाय। इसका मतलब प्राची उठने वाली है, इसलिए मैं से फटाफट से खत्म कर देती हूँ यार। भाई गर्मी आ गई है और मटका कुल्फी के मजे ही अलग होते हैं। वो बहन सिर्फ मैं खाऊंगी तो क्या ढूंढ रही है? गर्मी की पहला मटकी कुल्फी है बहन, खिला दे थोड़ी सी। क्यों, तूने मेरे को नूडल्स खिलाए थे तो क्या हो गया? मैं तो फिर भी सो रही थी जब ये नूडल्स खा रही थी, पर अब मैं तेरे आंखों के सामने मटका कुल्फी खाऊंगी यार। एक बाइट छोटी सी खाऊंगी, प्लीज ले लूं। थैंक यू। सब कुछ ले ले, पीछा छोड़ दे, जा। ओ प्लीज जा यार, जा। अच्छी हो रही है, थैंक यू है। जा जा, पीछा छोड़ दे, जा। अच्छा जा रही हूँ।
भाई रात के हो रहे हैं 8:18 और हम आए हैं मार्केट। ये है हमारे पिताश्री का फ़ोन, ये देख रहे हो साइड से, आज ही पापा के हाथ से गिरा और चटक गया, तो ये मार्केट आए हैं इसको ठीक कराने। साथ ही सामने मदर डेयरी है तो दूध भी ले लेंगे और कुछ फ्रूट्स भी लेना है, तो फ्रूट वाले अंकल भी साइड में बैठे हैं। चलो, हर कुत्ता नॉन वेजिटेरियन नहीं होता दोस्तों, कहते हैं ना कुत्ता बिल्ली खाता है, देखो उसके सामने दो दो बिल्लियां हैं ताजी ताजी, फिर भी वो बेचारा ईमानदारी से अपना पेडिग्री खा रहा है जो उसको दुकानदार ने दिया। दूध मैंने ले लिया है, बैक सीट में सब्जी और फल पड़ा है और वहाँ पीले कपड़ों में खड़ी हमारी बड़ी दीदी पापा का फोन ठीक करवा रही है, तो इसको कहते हैं मिलजुल के काम करना दोस्तों। भाई नॉन वेजिटेरियन कुत्ते के पास तो अलग अलग ऑप्शन में बहुत सारी बिल्लियां, पर वेजिटेरियन कुत्ते के पास तो कम ऑप्शन है। कब तक ये बेचारा पेडिग्री खाएगा, तो मैं दूंगी इसको पार्ले जी बिस्किट। ले बच्चा आजा आजा, ले आजा आजा, खा खा ले, तो पूंछ तो हिला रहा है, मैंने बचपन में पढ़ा था पूंछ हिलाना मतलब कुत्ता खुश। आजा ले, ये ले। भाई थोड़ा शर्माता ही सही, उसने सारे चट कर दिए। अब मैं घर जाती हूँ, लगता है ये कुत्ते भी शाकाहारी हैं दोस्तों, दीदी ने ना इनको भी बिस्किट डाला है, ये बेचारे भी खा रहे हैं। चलो ऐसी बात है तो मैं इनको रोज बिस्किट खिलाऊंगा। आ जा अंदर, तेरे को घर में खिला देंगे यार, तू यही खाएगी, बैठ जा बैठ जा। अबे नहीं, वो क्या बोलते, शाकाहारी कुत्ते हमारे मोहल्ले के अच्छे, कोई उंगली नहीं उठाएगा इनकी वफादारी पे। हाँ